सर, जो आपका अवार्ड फंक्शन हुआ है उसके बारे में बताइए। पहले अपना बताइए कि आपका क्या नाम है और अवार्ड ये जो आपने स्पोर्ट्स का दिया है उसका बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दीपक मेहरा है और मैं एक नेशनल कोच हूँ स्केटिंग का। साथ ही मेरा नाम जो है वो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में भी दर्ज है और अभी करंटली मैंने जो है 81 आवर्स नॉन स्टॉप स्केटिंग का रिकॉर्ड कंप्लीट किया है और एज अ नेशनल कोच भी मैं वर्क कर रहा हूँ। जील स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है ये एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है जो लोगों को पूरा पूरा सहयोग देती है। जैसे हम लोग टूर्नामेंट्स भी कराते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पूरा उत्साह और मनोबल उनका बढ़ाते हैं कि वो आगे आएँ और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ पा रहे तो उनको हम लोग हेल्प करते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो विश्वबंधु सेवा ट्रस्ट है वो अभी हम लोग साथ में मिलकर हम ये चाहते हैं कि अपना जो स्पोर्ट्स में जितने भी लोग जैसे कोचेज हैं जो मेहनत कर रहे हैं जो चाहते हैं कि आगे बढ़ना वो हम ट्रस्ट के साथ मिलके अपना उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको मतलब सपोर्ट करेंगे। जो न्यू जनरेशन है उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, ठीक है, और चाहे तकलीफें या कोई भी दुविधा हो उसकी हो आपके पास, लेकिन मेहनत जरूर करें क्योंकि मेहनत का जो रंग होता है वो मेहनत की जो आपकी मेहनत होती है वो कभी ख़राब नहीं होती है, आपको सहयोग कर सकें। सर, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे हेल्प कर सकती है? सर, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जील स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, उसके द्वारा मेरी यही कोशिश है कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं जिनको सुविधा नहीं है, जैसे हमारे टाइम पे भी क्या होता है, मैं सेंट्रल दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मुझे भी प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैं रोहिणी जाता था यहाँ से, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो बच्चा इसमें 30 किलोमीटर दूर खेलने जाएगा या पढ़ाई करेगा या फिर अपना घर देखेगा वो, और जो पेरेंट्स हैं वो उसको रेंट मतलब अपना किराया देंगे उसको आने जाने का, उसके इक्विपमेंट पर खर्च करेंगे, क्या क्या खर्चा करेंगे कि उसको मतलब आगे ले जाया जाए। तो मेरी यही मुहिम है कि जील स्पोर्ट्स मैनेजमेंट द्वारा ये सब सुविधा जो है मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि बच्चों का जो है पेरेंट्स का जो है पैसे उनसे सेफ हो सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स सीख सकें।